अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखें, अभी मैंने आपको दिखाया था कि टेम्परेचर हमारा मेंटेन नहीं हुआ हुआ था। अब टेम्परेचर मेंटेन हो गया है निचले पोर्शन का। आप देखें, बल्ब के नीचे चूजे आना ख़त्म हो गए हैं और अब हम ये पानी रख रहे हैं। ये पानी जो है हम बहुत एहतियात से रखेंगे क्योंकि ये पैरों के नीचे चूजे आने का ख़तरा होता है। अब ये हम देखें, ये पानी के बर्तन हैं, एक एक लीटर के हैं। ये हम 6 रखेंगे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी के बर्तन इनके पास हों और डिहाइड्रेशन का ख़तरा भी ना हो, क्योंकि सर्दियों में अक्सर टेम्परेचर ज़्यादा कर लेते हैं हम और पानी के बर्तन कम रखते हैं, जिसकी वजह से चूज़ों में डिहाइड्रेशन हो जाती है और चूज़े मरना शुरू हो जाते हैं और हम फिर एंटीबायोटिक की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि एंटीबायोटिक से ज़्यादा आप चूज़ों को केयर करें, डिहाइड्रेशन से बचाएं और इससे चूज़े सेहतमंद रहते हैं। ये देखिए, मैं ये पानी के बर्तन रख रहा हूँ बहुत एहतियात से। ये पैरों के नीचे आने का डर होता है और ये देखिए, मैं बहुत एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर आराम से रख रहा हूँ ताकि कोई चूज़ा मेरे पैर के नीचे ना आए। ये मैंने एक और बर्तन रख दिया। देखें, ये रखते ही पानी पीना शुरू हो गए क्योंकि मैंने चूज़ा बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे निकाला है और चूज़े को पूरा खुश्क होने दिया है हैचर के अंदर, और उसके बाद मैंने चूज़ा निकाला है। चूज़ा एक्टिव भी है और हेल्दी भी है। और ये देखें, मैं पानी के बर्तन रखता हूँ और वो पानी पीने आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चूज़ों की केयर करें और बटेर की चूज़ों की में सबसे ज़्यादा केयर की ही ज़रूरत होती है। इसमें एंटीबायोटिक की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी केयर करने की ज़रूरत है। ये देखिए, आप चूज़ा बिल्कुल पानी के पास आ रहा है, मुझे सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि मैं अपना फार्मिंग पे खुद काम करता हूँ और कोई लोगों के फार्म पे जाके नहीं बनाता वीडियोस, ताकि जो मसले मसाइल हैं वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे जब तक कि आप खुद करके नहीं देखेंगे। ये देखें, चूज़ा कितनी आसानी से पानी पी रहा है। और ये बात याद रखें कि 1 लीटर वाला पानी का बर्तन यूज़ करें और उसके नीचे जो ट्रे रखी होती है उसका साइज़ वो लें जो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ होती है। एक तो छोटी ट्रे होती है जिसका ऊपर से मुंह खुला होता है, इसमें चूज़ा आसानी से घुस के गिर के मर सकता है। इसमें चूज़ा बिल्कुल नहीं गिरता। अगर कोई चूज़ा, अगर पानी आप लेट रखेंगे, चूज़ा प्यासा होगा तो वो सारे चूज़े एक साथ घुसेंगे तो कोई एक आध चूज़ा इसमें फंस के मर सकता है, वरना ये इसमें चूज़ा इतनी आसानी से नहीं मरता। दूसरे बर्तनों में अक्सर चूज़े पानी में गिर गिर के मर जाते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास दूसरा बर्तन है, ये नहीं है, तो आप उसके अंदर थोड़े जो मार्बल के पत्थर होते हैं उन्हें तोड़ के क्रश करके बड़े बड़े उसके पीस, छोटे जितना के साइज़ का आपका बर्तन है उसमें रख दें ताकि वो पानी पिए लेकिन उसमें डूबे ना। तो ये दिखाने का मकसद था कि आप देखें, अब बल्ब के नीचे चूज़ा कोई नहीं है, टेम्परेचर मेंटेन हो गया है। आज की तारीख में अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट में अब टेम्परेचर इस रूम का 35 है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, अगर आपको मेरी वीडियो में नज़र आ सके तो ये आप देखें। ये 35 टेम्परेचर है और चूज़ा आपको मैं ऊपर से दिखाऊं कि कितना आराम से खुला डुला फिर रहा है। और ये 6 पानी के बर्तन हैं इस जगह के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने चूज़े को मेंटेन करें और इनको पालें, और ताकि कम से कम मसाइल हो। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।